नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन लेना है। सर, हमारे काउंसलिंग को लेकर के क्या अपडेट है, क्या हमारा पोर्टल खुला है कि नहीं खुला है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बीच एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है, जिसके माध्यम से और जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी नोटिस पर बात करेंगे, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा CUET PG की लगातार अपडेट्स के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की सारी अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ जो लोग 2024 में CUET PG के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे कोई भी MSc कोर्स हो, कोई भी MA कोर्स हो, LLB हो, कुछ भी कोर्स हो, तो आपके व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर मैसेज कर लीजिएगा या फिर हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पर, दैट इज DU.AC.IN। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। एक और वेबसाइट होती है admission.uod.ac.in वाली, वो सिर्फ एडमिशन के लिए होती है। ये वेबसाइट एक कॉमन वेबसाइट है। इस वेबसाइट के नोटिसेज में जब हम नीचे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो अभी तक किसी भी प्रेस रिलीज या किसी भी नोटिस में काउंसलिंग के लिए अलग से नोटिस नहीं निकाली गई है कि काउंसलिंग का पोर्टल कब से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट है उसको भी मैंने चेक करा, उसमें अभी कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नोटिस 10 जुलाई को जारी किया गया, उस नोटिस को मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूंगा फॉर CUET PG। इसमें देख लीजिए, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 10 जुलाई को ये नोटिस जारी की गई है। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द बिलो मेंशनड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024, द एग्जिस्टिंग एकेडमिक कैलेंडर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 2023 इशूड वाइड नोटिफिकेशन, उसके विषय में इसमें डिटेल किया गया है। अब बात करते हैं इस नोटिस में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए इतनी बड़ी नोटिस है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका जिक्र किया गया, जिससे हमें काउंसलिंग का अंदाजा लगता है, यहाँ पर देख लीजिए, क्लासेस कब से शुरू होंगी इसके विषय में इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है। सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री वाला हमको देखना होगा, क्योंकि जितने भी नए एडमिशन होंगे वो सेमेस्टर वन से ही शुरू होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1 सितंबर, यानी जो पहले सेमेस्टर की क्लास है वो पहले 1 सितंबर से शुरू होने के लिए इसमें कहा गया है। उसके बाद ये जो क्लास है वो कब तक चलेगी, तो 22 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद बीच में आपका डिस्पर्सल होगा, फिर आपके थियोरी एग्जाम्स होंगे, यानी ये एग्जाम के लिए ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, फिर ब्रेक होगा, फिर आगे वाले सेमेस्टर चलेंगे 15 जनवरी से। पहला सितंबर अगर इसमें कहा जा रहा है कि आपकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, इसके कहने का ये स्पष्ट तात्पर्य है कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 1 अगस्त के आसपास शुरू होना चाहिए। काउंसलिंग का प्रोसेस कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए फॉर्म 1 अगस्त से आएगा, संभवतः काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया ही 1 अगस्त से ये लोग शुरू कर दें। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग तुरंत काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो बस CUET के रिजल्ट का इंतजार करिए। जिस दिन CUET का रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत आज ही पास आपको नोटिफिकेशन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले सेप्टेम्बर से इन्होंने क्लास के लिए स्पष्ट अपने एकेडमिक कैलेंडर में बोल दिया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी के लिए जितनी भी अपडेट आई है। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, काउंसलिंग जब शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन की अपडेट्स के लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सब कुछ A to Z हम लोग आपको अपने इस चैनल पर इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे भी होंगे, किस तरीके का रिकॉर्ड ट्रैक है हम लोगों का। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये वीडियो अगर बेहतर लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अभी फिलहाल काउंसलिंग की अपडेट नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण नोटिस दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।